संभल में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 1200 ग्राम सोने समेत पुलिस ने एक युवक को कब्जे में लिया है। पूरा मामला कोतवाली चंदौसी के शहर का है, जहां पुलिस ने एक युवक को कब्जे में लेकर तलाशी ली तो उसके पास 1200 ग्राम सोना बरामद हुआ है। आनंद फानंद में पुलिस उसे थाने ले आई, जहां पुलिस ने सूचना देकर जीएसटी और कस्टम अधिकारी को बुलवा लिया। मौजूद जानकारी के अनुसार सोना मेरठ से बदायूं ले जाया जा रहा था, जहां रोडवेज स्टैंड पर पुलिस ने माल समेत युवक को कब्जे में ले लिया। युवक कोलकाता का बताया जा रहा है। अधिकारियों ने सोने की टंच निकलवाकर उसे सरकारी खजाने में जमा करने की बात कही है। अलबत्ता इससे ज्यादा जानकारी फिलहाल अधिकारी देने को तैयार नहीं है। आरोपी भी बेहद होशियार है और कैमरे के सामने जानकारी नहीं दे रहा है। एक बार कैमरे के सामने आने के बाद उसने मुंह ढक लिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि मामला तस्करी का है अथवा टैक्स चोरी या कोई और नई बात सामने आती है। सर, एक युवक को गिरफ्तार किया, उसके पास से बताया गया सोना बरामद हुआ है, क्या पूरा मामला सर? आज सुबह चंदौसी कोतवाली को सूचना मिली कि एक आदमी कुछ बैग में सोना लेके जा रहा है और ये लोग अपने रूटीन के चेकिंग में घूम रहे थे, पुलिस पार्टी घूम रही थी, उसी दौरान इनको सूचना मिला। इस आधार पर इंस्पेक्टर चंदौसी ने गाड़ी रुकवाया, जिस गाड़ी सूचना मिली थी आ रहा है उस गाड़ी को रुकवाया, उन्होंने तलाशी लिया। तलाशी के दौरान एक व्यक्ति के बाइक से सोना निकला जिसका वजन वो 1 किलो 200 ग्राम बता रहा है और इस आधार पर तुरंत उसको पकड़ के थाने पर लाया गया। थाने पर लाने के बाद उसको तत्काल सेल टैक्स विभाग को सूचना दिया गया। सेल टैक्स विभाग के मुरादाबाद से लोग आए हुए हैं, आकर के उसकी पूरी तहकीकात किए हैं, जांच पर रखने के बाद पूरा नोट किया उन्होंने उस आदमी के बताने के अनुसार और फिर उसको अब तुरंत लेके संभल गए हैं, जहाँ पे टंच कराएंगे। टंच का मतलब उसका वेट कराएंगे और वेट कराने के बाद उसको ट्रेजरी में जमा कराएंगे। सर, ये युवक कहाँ का रहने वाला है? ये युवक तो मूलतः बता रहा कोलकाता का रहने वाला हूँ और हाँ कोलकाता का रहने वाला है और ये यही काम करता है, सोना लेके दुकानदारों को पहुंचाता है। और जैसा कि सर इसके बाद कुछ कागज पकड़े गए, दस्तावेज मिले, इसके बाद भारी मात्रा में ये सोना ला रहा था सर, इसके बाद सोना से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, इस आधार पर हमने ये कार्रवाई की। क्या ये मामला सोने की तस्करी से जुड़ा हुआ भी हो सकता है? अब अभी इस संबंध में हम कुछ कह नहीं सकते, अभी इस जाँच की जाएगी तो बात सामने